हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे तो इन दो दिनों में हमने जीव और माया के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त किया। सृष्टि से पहले एक ईश्वर परमेश्वर श्री कृष्ण ही थे। अहम एवासम एवाग्रे ना अन्यत सत असत परम और ये चतुर्श्लोकी भागवत के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि सृष्टि से पहले जो भी कुछ था मैं था, जो सृष्टि के मध्य में जो भी आप देख रहे हो वो भी मैं हूँ और सृष्टि के अंत में जो बचेगा वो भी मैं हूँ। तो ये बीच में ये सब क्या है इसका अभ्यास करना ये बुद्धिमान चेतना में ऊपर उठे हुए जीवों का ये विषय है। हम सब जो इधर मौजूद हैं बुद्धि में बड़े चढ़े हैं, यही कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। तो कुत्ता गधा ये नहीं समझ सकता कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं, मैं
मृत देह और जीवित देह में जो अंतर है वो है आत्मा। जीवित देह माइनस आत्मा इक्वल टू मृत देह, डेड बॉडी। अभी तक डॉक्टर और वैज्ञानिक जीव आत्मा के अंशी श्री कृष्ण ने इच्छा की कि अनेक रस आस्वादन के लिए मैं अनेक बनूंगा। अलबत्त वो खुद रस है, आत्मा राम है, उनको बाहर की कोई चीज की जरूरत नहीं है आस्वादन करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए। लेकिन फिर भी वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, विविधता तो विविध बने। तो भगवान विस्तरित होते हैं और अनंत कोटि अनंत आत्माएं, जैसे हमने कल प्रकाश डाला था कि महाविष्णु या करुणोदक्षय विष्णु, दुर्गा के अंदर ये जो आत्माएं हैं, विमुख आत्माएं, उनको इम्प्रेग्नेंट करते हैं दृष्टि पार्ट से, स इक्षता। तो ये जीव की सृष्टि करने का उद्देश्य बहुत सुंदर था, भगवान श्री कृष्ण रस आस्वादन करें और उनके साथ ये सब जीवात्माएं भी आनंद प्रमोद करें, दोनों। उदाहरणार्थ बच्चे हम पैदा करते हैं तो ये ध्येय से नहीं कि हम दुखी और वो भी दुखी, ज़्यादातर होता है वैसा, माँ बाप भी दुखी और बच्चे भी दुखी। लेकिन ये उद्देश्य नहीं होता। इसी तरह श्री कृष्ण विस्तरित हुए आत्मा, अनंत बने, अनेक बने, तो उद्देश्य था आत्मा भी सुखी मैं भी सुखी, ये उद्देश्य था। तो निरन्न मुक्त जीव, नित्य सिद्ध जीव जो भगवत धाम में है, तो उन्होंने तो ठानी है कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं और सदैव सदा के लिए हम उनके सेवक ही हैं, उनकी सेवा ही हमारा जीवन का ध्येय है। तो आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जगत में नित्य सिद्ध जीव हमेशा श्री कृष्ण की सेवा में रत रहते हैं। तो दोनों खुश, सेवा करने वाले भी खुश, सेवा लेने वाले भी खुश। जैसे माता बच्चे की सेवा करती हैं, खिलाती हैं, उनका डायपर चेंज करती हैं, धोती हैं,
सेवा करती है माँ, तो माँ ऐसा नहीं समझती मैं दुखी हूँ, उनकी सेवा करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कर समझती। उनको आनंद होता है खिलाने में, नहलाने में आनंद होता है, पहन कपड़ा पहना परिधान कराने में आनंद होता है, स्कूल में भेजने में भी आनंद होता है। और माता उनके साथ स्कूल में जाती भी है, मन से तन से नहीं जाती है, क्योंकि बच्चा की पढ़ाई बहुत प्रेशर डालती है माता, ज़्यादातर पिता से ज़्यादा माता, वो सारा टेक्स्ट बुक कंठस्थ करेगी और सिखाएगी, तो ऐसा बोझ रूप बच्चा नहीं होता, माता भी खुश और बच्चा भी खुश। तो इसी तरह अभी भी आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण सेवा लेते हैं और निरन्न मुक्त सिद्ध जीव आत्मा उनकी सेवा करते हैं। स्वरूप सिद्धि एक सेवा, डे इन एंड डे आउट, हर रोज एक सेवा। तो ये सेवा में सब जीवात्माएं प्रवृत्त रहते हैं और उससे भगवान भी खुश और सेवक भी खुश। बोझ नहीं लगता कि ये मेरा शोषण कर रहे हैं, शोषण नहीं कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, दोनों खुश, पोषण होता है, पुष्टि होती है, जीवों की पुष्टि होती है। भगवान सेवा लेते हैं उससे जीवों का पोषण, शोषण नहीं, बोझ रूप सेवा नहीं होती, वह प्रेममयी सेवा। हरे कृष्णा अर्थात हरे, हे राधा रानी, हरा मदर, हरा हरे, मुझे श्री कृष्ण भगवान की प्रेममयी सेवा दो, ये अर्थ है हरे कृष्ण का। हरे कृष्ण अर्थात हे राधा रानी, मुझे श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा दो। हम मांगते हैं, दो घंटा मांगते रहते हैं राधा रानी से, दो घंटा माला करते हैं, तो क्या मांगते हैं, मुझे श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा दो। बोझ रूप सेवा नहीं, भार रूप सेवा नहीं, प्रेममयी सेवा। तो ये निरन्न मुक्त जीव हमेशा श्री कृष्ण की सेवा में रत रहते हैं और अनादिकाल से कई जीव उन्होंने ऐसा सोचा कि ये कृष्ण अकेले भोक्ता, हमारी सेवा का भोक्ता क्यों, मैं भी भोक्ता हूँ, ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं भी भोक्ता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ तो भोक्ता मैं अकेला हूँ और मेरे धाम में प्रदूषण नहीं चाहिए, गंदगी नहीं चाहिए, आपकी चेतना प्रदूषित हो गई है, यहाँ सब कुछ हार्मोनियस चलता है, तारतम्य, सबका तारतम्य है, लेकिन आप भोक्ता बनना चाहते हो तो आपके लिए अलग सृष्टि करते हैं और वहाँ आप अज्ञानतावश ये सोचो के समझोगे कि आप ही भोक्ता हो। तो ये है भौतिक जगत,
और जहाँ जीवात्मा भौतिक भोग करता है हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम भौतिक भोग भोगता है। तो जब भौतिक भोग जीव भोगता है तो माया क्या करती है, उनको मारती है। कृष्णा बहिर्मुख हना भोगोवांछा करे, निकस्त माया तारे झापोटिया धरे। माया मारती है। इसलिए संसार में कोई भी जीव सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जिन नाम आधार। हरे कृष्णा जोर से, आप सब सुखी हो, आप सब सुखी जीवात्मा है। क्यों? जिन नाम आधार, आपको नाम का आधार है। अगर नाम का आधार नहीं है तो दुखी है। तो बॉल इज इन योर हैंड, यू प्ले द वे यू लाइक इट। ये गेंद जो बॉल है ये आपके हाथ में है, आप जैसे चाहे खेल सकते हो। लेकिन हम चाहेंगे कि हम भोक्ता नहीं, हम भोग्या हैं। श्री कृष्ण भोक्ता है, हम भोग्या। इसीलिए जब मीरा वृंदावन गई तो हमारे जीव गोस्वामी को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट का लेटर लिखा, मैं आपका दर्शनार्थी हूँ, मैं आपकी दर्शनार्थी हूँ, मैं आपका दर्शन करना चाहूँगी। तो जीव गोस्वामी ये बाबा जी संन्यास से ऊपर का ऑर्डर, तो स्त्रियों से इतना ज़्यादा हिल मिलते नहीं थे, संन्यास धर्म है। और वैसे भी जितना हो सके गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, अपना अपना जितना काम है इतना काम, आगे स्त्रियों के साथ मिंगलिंग नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्री अपने आप में बहुत अच्छी है और पुरुष भी अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन जब दोनों साथ में आते हैं तो दोनों खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए ये संन्यास धर्म है कि स्त्रियों का थोड़ा अंतर रखना चाहिए। तो जीव गोस्वामी ने लिखा कि मैं स्त्रियों को दर्शन नहीं देता हूँ, माफ़ कीजिए। तो मीराबाई ने लिखा कि मैंने सोचा कि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है और सारे सब कोई भोग्या है, स्त्री है भोग्या। तो रूप गोस्वामी खुश हो गए कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, दर्शन देते हैं उनको। तो हम सब भोग्या है, पुरुष नहीं है, स्त्री। हम सब श्री कृष्ण की भोग्या है, श्री कृष्ण ही भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपशाम
सर्वलोक महेश्वरम सुहृत् सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्यति। पीस फॉर्मूला, जिनको शांति चाहिए ये तीन चीज़ें बराबर समझनी चाहिए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृत् सर्वभूतानां, ये तीन। तो कृष्ण भोक्ता है और हम सब भोग्या हैं, इसलिए ही हमको श्री कृष्ण ने पैदा किया। माँ बाप बच्चे पैदा क्यों करते हैं? माँ बाप बच्चों का आनंद लेना चाहते, भोगना चाहते, तो यही श्री कृष्ण का हेतु था। तो ये जीव ये श्री कृष्ण का अंश है और जीव का सिद्ध धर्म, धर्म जन्म सिद्ध हक, धर्म है जीव का। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर, कृष्णेर वेरी गुड, नित्य दास। एक मिनट या 22 घंटा दास नहीं, 24 घंटा और हर रोज नित्य दास। ऐसा क्यों? ऐसा करने से हम भी खुशी, हम भी खुश और कृष्ण भी खुश। बच्चे का धर्म है माँ बाप से वो जुड़ा रहे, तो बच्चा भी खुश और माँ बाप भी खुश। एक दूसरों का बोझ नहीं होता, क्योंकि वहाँ प्रेम का आदान प्रदान है। उसी तरह आत्मा और श्री कृष्ण के बीच में प्रेम का आदान प्रदान है, इसलिए वो बोझ नहीं है। इट्स अ लेबर ऑफ लव। हमारी सेवा जो है वो लेबर ऑफ लव, भगवान श्री कृष्ण की हम सेवा करते हैं, वो लेबर जैसा लगता है कि हम ये नौकरी धंधा, या तो नौकरी अथवा तो कुछ मिनियल सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेबर ऑफ लव है, जैसे बच्चे की और माता का प्रेम है, तो वो डायपर बदलने में उनको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो प्रेम, लेबर ऑफ लव, ये प्रेम से जकड़ी हुई, बंधी हुई माता, उनका डायपर बदलने में कब नहीं हो सकता? जब जीव थान ले कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। इसीलिए सततम कीर्तयंतो, कृष्ण का दासत्व की शुरुआत, कृष्ण की सेवा की शुरुआत होती है मुँह से और जिह्वा से। सेवन मुखे है जिह्वा दो, जीभ और मुँह से सेवा होती है। कोई कर सेवा करता है, कोई दान सेवा करता है, कोई धन सेवा करता है, कोई मन सेवा करता है। तो सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा है मुँह से और जिह्वा से। मुँह से बोलना है क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तीसरी बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो है जीवात्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का अर्थ है कि उनका स्वाभाविक धर्म, जीव का स्वाभाविक धर्म है श्री कृष्ण की सतत 24 घंटा सेवा करना, और सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा है मुँह से और जिह्वा से। उनके नाम का हमेशा रटन, खाईते सुईते यथा तथा नाम लय,
देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होय, सुखी सोई जिन नाम आधार। हमें इस नाम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ये सर्वोत्तम सेवा है और सबसे सरल सेवा है। तो ये जीव का स्वाभाविक धर्म। और माया तहार छुड़ाए शास्त्र साधु कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होय, से जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए। जो जीव गुरु कृष्णा शास्त्र की अकारण कृपा से अगर कृष्ण उन्मुख कृष्ण की ओर अपना मुख कर ले, भजन कीर्तन सेवा की बात ही नहीं है, खाली उन्मुख। ऐसे हमारा विमुख है फेस चेहरा मुंह, तो उनको 180 डिग्री टर्न उन्मुख, कितना सरल और सिंपल आसान काम है, लेकिन वो भी हमसे नहीं होता, क्योंकि माया बद्ध जीव, माया की परिभाषा हमने की थी, अभी थोड़ी सी माया की चर्चा भी कर लेते हैं। तो हमें उन्मुख होना है। तो माया तहार छुड़ाए, सही जीव निस्तरे, निस्तार होता है, वो जीव तैर जाता है, वो जीव मुक्त हो जाता है, ये माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सही जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए, माया उनको छाड़ देती है, छोड़ देती है। तो ये जीव माया के फंदे में फंसता है, क्यों? विमुख होके। तो ये माया का काम है। माया कृष्ण की तीन शक्ति है, जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति है, योग माया शक्ति, श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, जो उनके धाम में उनके और उनके परिकरों के भक्तों के बीच में जो माया है, योग माया, वो भक्तों को भगवान के नज़दीक लाती है। योग माया, अंतरंग शक्ति, स्वरूप शक्ति, चित्त शक्ति, ये सब एक है, और जीव शक्ति, तथस्थ शक्ति और माया शक्ति। माया शक्ति का कार्य है, जीव बहिर्मुख है इसलिए उनको, बहिर्मुख जीव को श्री कृष्ण से दूर ले जाना और दूर ले जाके उनको पिटाई करना, उनकी पिटाई करना। क्यों? उनको सुधारना है। क्या सुधारना है? कि आप विमुख हो जीव, तू विमुख है, कृष्ण उन्मुख हो, माया तारे देह संसार दुख। माया उनको संसार का दुख देती। संसार किसको कहते हैं? चार चीज़ों को संसार कहते हैं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग। जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम, ये चार चीज़ों में दुख और दोष का दर्शन करना चाहिए। दुख सबसे बड़े दुख चार हैं, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम, गीता। तो ये माया शक्ति भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है और ये जीव को दुख देती है, और ये बिल्कुल नग्न सत्य है, ध्रुव सत्य है कि हम दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार, यहाँ संसार में दुख ही दुख है, कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भौतिक जगत की रचना, डिजाइन भगवान ने ऐसी की है कि जहाँ दुख ही दुख, सुख हो ही नहीं सकता, चाहे स्वर्ग, चाहे नर्क, चाहे पृथ्वी,
भौतिक संसार में दुख ही दुख। तो ये दुख हमें दुख है, दुख कौन देती है? माया देती है। क्यों देती है? क्योंकि जीव भगवान से विमुख हो गया, जीव भगवान से अलग भोग भोगने की इच्छा कर रहा है, इसीलिए माया तारे दे संसार दुख। भक्तों को कभी दुख नहीं होता, अगर शुद्ध भक्त हैं, यहां भी कहीं शुद्ध भक्त हैं, उनको कुछ दुख नहीं होता, क्योंकि वो दुखों से परे हैं। आत्मा सच्चिदानंद समय शरीर दुखों का आगार है शरीर। तो शुद्ध भक्ति एक क्लेशग्नी है, क्लेशों को दूर करती है शुद्ध भक्ति, और शुद्ध भक्त के पास क्लेश आ ही नहीं सकते। हमेशा डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी भगवान की अंतरंगा शक्ति में हमेशा रमण करते हैं भक्त लोग, तो उनके नज़दीक दुख आ ही नहीं सकता। तो दे तारे संसार दुख, माया ये बद्ध जीव को संसार का दुख देती है। माया का उग्र स्वरूप दो है, अगर माया का चित्र आपको बनाना है तो एक डॉलर साइन और दूसरी सुंदर स्त्री, स्त्री का चित्र, पुरुष का, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये दो चीज़ों में माया उग्र रूप में रहती है। कोई भी झगड़ा शुरू होगा तो ये दो चीज़ों के लिए, कांचन और कामिनी। और कलयुग भी ये कांचन में ही रहता है, सोने में, सोना गोल्ड गोल्ड, ये गोल्ड ये पवित्र है, हमेशा पवित्र रहता है, कभी गंदा नहीं होता। तो कलयुग आया तो कली ने परीक्षित महाराज से कुछ रहने का स्थान मांगा, क्योंकि मैं आपका सब्जेक्ट हूँ, मैं आपकी प्रजा हूँ, इसलिए मुझे भी आप शेल्टर दो, मुझे भी आप कुछ सहारा दो। तो कलयुग को परीक्षित महाराज चार चीज़ों में रहने की व्यवस्था करते हैं। एक है अवैध संबंध, स्त्री अवैध, अवैध स्त्री पुरुष संबंध, इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध और जुआ, गंदी चीज़ें हैं सब, जुआ गंदा है, और इंटॉक्सिकेशन, कोका कोला सेवन, सेवन अपनी कोका केला जो ब्लैक, कोका कोला शराब और बियर एक्सेट्रा, चाय, सब चाय पीते हैं, कॉफ़ी, ये सब कलयुग आपके किडनी और आपका लीवर ख़त्म करेगा। चाय, इंटॉक्सिकेशन, इसमें कलयुग है, जुआ में कलयुग है, इलिसिट सेक्स में कलयुग है, और गैम्बलिंग, जुआ खेलना। तो इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, भगवान को भोग लगाए बिना जो भी चीज़ खाते हो उसमें कलयुग है, कलयुग है, पाप है, घोर पाप। तो कलयुग कहता है परीक्षित महाराज को कि ये चारों चीज़ आपने मुझे गंदी रहने के लिए दी, मैं आपकी प्रजा हूँ, मुझे आप एक चीज़ कुछ अच्छी पवित्र चीज़ दे दो जहाँ मैं रह सकूँ। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ठीक है, आप जहाँ भी सोने का होर्डिंग होगा, सोना जो ज़्यादातर इकट्ठा करेगा होर्डिंग, तो वहाँ आप रह सकते हो, वचन दिया। तो तुरंत कली उनका मुकुट, परीक्षित महाराज का मुकुट सोने का था, तो मुकुट से उनके अंदर उतरा, और बाद में आप जानते हो सांप मरा हुआ। तो
ये कलयुग के स्थान है चार, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग और इंटॉक्सिकेशन। इनमें माया का प्रभाव है। माया ये चार चीज़ें हर हालत में छोड़नी चाहिए, और उनके बाद छोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि हमारा कल्याण हो गया, छोड़ने के बाद पॉजिटिव एनर्जी, चैंटिंग होली नेम ऑफ कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो 16 मालाएं हैं और चार नियमों का पालन। तो कलयुग आपके घर से कई योजन दूर भागेगा, आ ही नहीं सकता। तो ये माया के उग्र स्वरूप है कांचन और कामिनी। ये माया उसमें उग्र स्वरूप से रहती है। तो तीन शक्ति हैं भगवान की, तटस्थ शक्ति हैं जीव, और अंतरंग शक्ति भगवान की आह्लादिनी शक्ति, योग माया शक्ति है, जो भक्त को भगवान के नज़दीक ले जाती है, और महामाया शक्ति जो इल्यूजरी, ये महामाया शक्ति जीव को भगवान से दूर ले जाती है, और जीव को दूर ले जाके मार मारती है माया। तो ये माया की परिभाषा मैंने कल देहाती परिभाषा की थी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में जो भी रुकावट डालता है, जो भी बीच में आता है रास्ते में, वो है माया। तो कई चीज़ भक्ति में रुकावट डालती है, तो वो है माया। तो माया की परिभाषा है कि ये श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है और जीव को अंधकार में डालने वाली शक्ति है, और जीव को पहला अंधकार कराती है कि तू ये शरीर हो, मैं ये शरीर हूँ। जीव को माया समझाती है कि आप ये शरीर हो, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन क्या समझाती है? मैं शरीर हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है। तो जीव को माया देह और देह के संबंधियों में अहम ममत्व कराती है। अहम, मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, अहम, ये अहंकार, अहंकार में अर्थात मैं ये शरीर हूँ, अहंकार, जिसको हम फॉल्स ईगो कहेंगे, झूठा अहंकार, मैं ये शरीर हूँ। शरीर झूठा है और शरीर के साथ आपका अहम, ये भी झूठा है, अहंकार, और संबंधी के साथ ममत्व कराती है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा माँ बाप है, तो अहम ममत्व कराती है ये माया। कस्मिन जन्मानि अमी महियात पितरो मातरो भवेत कर्म भी ब्रह्ममाणस्य देवतिर्यक नृयोनिषु। चित्रकेतु का पुत्र हर्ष शोक जब चल बसा, नारद मुनि उनको वापस लाते हैं, तो शरीर में आके वो जीव बोलता है, जीव उवाच, जीव बोलता है, क्या जीव बोलता है? कस्मिन जन्मानि अमि महियात, कौन से जन्म के मेरे मातरो पितरो भवेत, मेरे माता पिता आप हो। कर्मभीर ब्रह्ममाणस्य देवतिर्यक नृयोनिषु, मैं मेरे कर्मों के मुताबिक देव योनि, तिर्यक पशु पंछी, कीट योनि में मैं
भ्रमण करता रहता हूँ। तो मेरे तो बहुत माता पिता हो गए, तो आप कौन से जन्म के माता पिता हो? तो ये माता पिता, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, अहम ममत्व। तो देह और देह के संबंधियों में अहम और ममत्व कराती है ये माया। और ये श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है, जीव को अंधकार में डालने वाली है। ये दुर्गा शक्ति है। और ये भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी है दुर्गा, ये माया शक्ति। तो आइए, आज का विषय जो है वो है ईश्वर। तो जीव, बीच में माया, और जीव को चाहिए कि माया को छोड़ के वो वापिस भगवान के पास जाए। गुमराह बच्चे को चाहिए कि गलियों में न घूमते हुए मैं मेरे माता पिता के पास वापस पहुंचूं। तो बच्चा भी खुश, माता पिता भी खुश। तो ये भगवान कौन है जिनके पास हमें जाना है? उनका ज्ञान भी हमें जरूरी है। हरे कृष्ण करके थोड़ा थोड़ा आप आगे हो जाए। ये आइल में बैठ जाइए, ये जो ग्रीन दड़ी है, पीछे दिक्कत हो रही है बैठने में। ये बीच में भी बैठ सकते हो, और जाना है उनको जा सकते हो, जिनको जाना है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कौन है जानना जरूरी है। तो भगवान की परिभाषा, तो हमारे सब शास्त्र भगवान की परिभाषा से शुरू होते हैं। भागवत जन्म आदि यस्य अतः इतरतस्य अर्थेषु अभिज्ञात स्वरात् तेने ब्रह्म हृदा या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सुरयः। तो ये शुरुआत का श्लोक, जन्म आदि यस्य अतः, जिनमें से सब चीज़ों का जन्म होता है, जो सब चीज़ों का पालन पोषण करता है, और जो अंत में सबका संहार करता है, वो है भगवान। जन्म, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य अतः इतरतस्य। तो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सबका स्रोत है, सबका पालनहार है, और अंत में सबका संहार करते हैं। वेदांत सूत्र जन्मादि यस्य अतः, वेदांत सूत्र, उपनिषद, ईशोपनिषद वगैरह उपनिषद, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव वशिष्यते। भगवान पूर्ण है, और पूर्ण में से जो भी बाहर आता है वो भी पूर्ण है, पूर्णमादाय। और पूर्ण में से पूर्ण आता है, जो उत्पन्न होता है, फिर भी वो पूर्ण रहता है, पूर्णम एव वशिष्यते, वो भगवान है।
और वो है कृष्ण। तो शास्त्र प्रतिपादन करते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं, शास्त्र साधु और गुरु, शास्त्र युक्त। अगर हमें हमारा पिता कौन है जानना है तो उनका सोर्स एक ही है, वो है आपकी माता। आप करोड़ों लोगों को पूछोगे, सही जवाब नहीं मिलेगा कि आपके पिता कौन है, लेकिन एक ही जगह सही जवाब मिल सकता है और वो है आपकी माता। माता कह सकती है आपका पिता कौन है। उसी तरह शास्त्र ये हमारी माता है, वेद माता। तो ये वेद और पुराण इतिहास शास्त्र हमें प्रतिपादित करके कहते हैं शास्त्र कि कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ही सबका स्रोत है। और साधु इवन शंकराचार्य, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते, मायावाद के प्रखर आचार्य शंकराचार्य भी कहते हैं कि गोविंद श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। तो भागवत की शुरुआत के श्लोकों में ही ये श्री एक भगवान कौन है ये प्रतिपादित हुआ है। वदन्ति तत्वविदं तत्वं यद ज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। भगवान इति सभ्यते, जो अद्वय तत्व है। वदन्ति तत्वविदं तत्वं यद ज्ञानं अद्वयं, अद्वयं तत्व, ये ब्रह्म आत्मा एंड भगवान, ये तीनों अद्वय एक ही चीज है, लेकिन शक्ति का संचार अलग अलग है। ब्रह्म में संपूर्ण शक्ति का संचार नहीं है, ब्रह्म में न्यून शक्ति है, इसीलिए ब्रह्म कभी भी कृपा नहीं कर सकता। ब्रह्म अर्थात निराकार, ब्रह्म ज्योति, या तो निराकार उपासना, निरंकारी। तो ये निराकार निर्गुण, जिनमें कुछ गुण नहीं, तो वो कृपा कैसे कर सकता है। तो ये सत शक्ति का संचार ब्रह्म में है। और परमात्मा, योगी लोग चार हाथ वाला जो स्वरूप, विष्णु रूप स्वरूप, हृदय में योगी अपने हृदय में ध्यान करता है, वो परमात्मा सत चित दोनों शक्ति का उसमें संचार है। तो परमात्मा भी कृपालु नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपने हृदय में दो पक्षी बैठे हैं, एक परमात्मा पक्षी और दूसरा जीव पक्षी। जीव पक्षी जो करता है उसके मुताबिक परमात्मा पक्षी उनके कर्मों का उनको फल देता है। अच्छे कर्म अच्छा फल देगा परमात्मा, बुरे कर्म बुरा फल देगा। वहाँ कृपा हो ही नहीं सकती। सो शैल यू रीप, जैसा कर्म करोगे वैसा परमात्मा आपके ऊपर कृपा करेंगे। कृपा नहीं, लेकिन यू डिजर्व whatever यू डिजर्व परमात्मा विल गिव यू। पुण्य कर्म स्वर्ग, पाप कर्म नर्क, परमात्मा आपको वही देंगे जो आप जिनके लायक हो। जैसे कर्म वैसी भरणी। तो परमात्मा भी कृपालु नहीं है। भगवान इति सभ्यते, और भगवान सत चित आनंद के आगार हैं, तीनों शक्तियाँ। और संपूर्ण शक्ति
भगवान श्री कृष्ण में ही है, उनके अवतार में नहीं है। सर्वशक्ति चार जो उनके क्वालिटीज हैं आगे हम देखेंगे अगर समय हमें मिलेगा तो। तो ये कृष्ण ही भगवान हैं और ये परम कृपालु है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा धर्म जो हर हालत में वो निभाते हैं वो है कृपा, भक्तों पर असीम कृपा और कईयों पर अकारण कृपा भी। हम लायक नहीं है फिर भी श्री कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो एक कृष्ण भगवान एक कृपालु है। राम नारायण विष्णु कृष्णा ये भगवान है और एक कृपालु है। परमात्मा उपद्रष्टा उनमंता, परमात्मा उपद्रष्टा है, हम जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं और उनके मुताबिक हमें फल देते हैं। कृपा नहीं है वहाँ। और निर्विशेष निराकार ब्रह्म उसमें तो कृपा की बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो है वैसे ही निराकार निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म। तो भगवान इति सभ्यते, भगवान श्री कृष्ण। सारा भागवत, ये भागवत का पहले पहले अध्याय का श्लोक है और भागवत में पहले ही प्रतिपादित किया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते च अंश कलह पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये सारे अवतार मैंने गिनाए, व्यासदेव लिखते हैं तीसरे अध्याय में, पहले स्कंद का तीसरा अध्याय, के सब अवतार मैंने भगवान श्री कृष्ण के वर्णन किया। लेकिन कृष्ण ये अवतार नहीं है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ते भागवत एते च अंश कलह पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्र आदि व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। तो इंद्र आदि देवी देवताओं को जब दुख होता है, भीड़ पड़ती है, तो भगवान उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए अवतरित होते हैं। सर्वदेवने जारे भीड़ पड़ी समर्यांतर जामी, बावट भागी बुदरे मेता नरसैना स्वामी। सर्वदेव ने जारे भीड़ पड़ी, सब देवो देवताओं को जब दुख होता है, राक्षस लोग पीड़ित करते हैं देवी देवताओं को, तो देवी देवताएं क्षीर सागर के किनारे जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि हम दुखी हैं, हम आपके भक्त हैं। तो भगवान अपनी अनुकंपा से तुरंत अवतरित होते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं और भक्तों को सुख देते हैं। तो कृपालु नेचर, कृपालु स्वभाव है श्री कृष्ण का, रामचंद्र नारायण विष्णु का। तो ये भगवान कौन है समझना चाहिए। जैसे कई उदाहरण हैं हम प्रतिपादित करते थे, शिव भगवान भी कहते हैं आराधनाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधनाम पराम तस्माद परतरम देवी तदीयानाम समाचरम। शंकर भगवान ये दही है, दूध में से दही होता है। श्री कृष्ण दूध है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।
ये शंकर यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतु यम संभुतामपि तथा समुपेति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये गोविंद जो दूध जैसे हैं वो सृष्टि का संहार करने के लिए दही जैसे रूपांतरित कार्यात कार्य करने के लिए रूपांतरित होते हैं, कृष्ण में से रूपांतरित, जैसे दूध में से दही रूपांतरित होता है उसी तरह कृष्ण में से रूपांतरित होते हैं वो शंकर शिव रुद्र। तो वो शंकर भी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण शंकर भगवान शंकराचार्य के रूप में भी आए और वहाँ भी उन्होंने कहा कि गोविंद का भजन करो और मैं वृंदावन जाना चाहूँगा और यमुना के किनारे ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण का नाम लेके चिल्लाना चाहूँगा। शंकराचार्य सूरदास मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो देवी देवताएं ये श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान नहीं है, भगवान एक है और वो है कृष्ण, भगवान एक है वो है कृष्ण। ब्रह्मा भी कहते हैं, ब्रह्मा क्या कहते हैं सारी ब्रह्म संहिता, अभी 7 दिन तक हमने ब्रह्म संहिता पर कथा की थी साधरा, सारी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंद महादि पुरुषम तमहम भजामी, ईश्वरः परमः कृष्ण सत चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परम कृष्ण, परमेश्वर श्री कृष्ण ही है और वो सत चित आनंद के विग्रह है और अनादि अनादि के भी वो आदि है, अनादिर आदिर गोविंद और वो गोविंद हैं कृष्ण, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम और सब कारणों का कारण श्री कृष्ण ही है। जीवों का कारण, देवों का कारण, सृष्टि का कारण, अवतार का कारण, सब कारणों का कारण श्री कृष्ण ही है। ब्रह्मा बोल रहे हैं ब्रह्मा, और विष्णु भी हमारे धर्म में हिंदू धर्म में ज़्यादातर प्रचलित बात यह है कि विष्णु का अवतार एक कृष्ण राम नारायण है, लेकिन भागवत पढ़ोगे यथारूप तो आपको समझ में आएगा कि श्री कृष्ण ही विष्णु के स्रोत हैं। तो विष्णु भगवान भी श्री कृष्ण की जंखना करते हैं, इसलिए वो अपने गुरु के पुत्रों को चुरा के ले जाते हैं ताकि कृष्ण का और अर्जुन का उनको दर्शन हो। और कृष्ण विष्णु मूर्ति होते हैं, लेकिन विष्णु कभी कृष्ण हुए ऐसा देखा नहीं हमने। कृष्ण अपने में विष्णु का दर्शन कराते हैं, जन्म हुआ कृष्ण आए तो तुरंत देवकी और वसुदेव को फुल हेडेड हेयर और हेलमेट मुकुट और पीला पीताम्बर 8 फुट लंबा विष्णु का दर्शन करवाया। तो ये कृष्ण स्तु भगवान स्वयं कृष्ण ही ओरिजिनल भगवान है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा ये
विष्णु का स्रोत है। मैंने आपको बताया था कि करुणोदक्षय विष्णु, तो भगवान श्री कृष्ण का विस्तार का विस्तार का विस्तार का विस्तार है। चतुर्व्यूह संकर्षण, वो संकर्षण में से दूसरा चतुर्व्यूह, वो संकर्षण में से ये पुरुष अवतार, ये पुरुष अवतार, तीन पुरुष अवतार है। पहला पुरुष अवतार है करुणोदक्षय विष्णु, दूसरा पुरुष अवतार है गर्भो दक्षाय विष्णु, और तीसरा पुरुष अवतार है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये तीनों पुरुष अवतार हैं और ये कृष्ण के अवतार हैं। तो ये विष्णु में, श्री कृष्ण में विष्णु से चार और भी गुण हैं जो विष्णु में नहीं दिखे जाते, वो है लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी और प्रेम माधुरी। ये चार माधुरी आपको श्री कृष्ण में ही दिखाई देगी। वेणु माधुरी, भगवान श्री कृष्ण सब वेणु बजाते हैं, तो सारी सृष्टि का नेचर स्वभाव बदल जाता है। जमुना बहती है तो स्तंभित हो जाती है, जमुना बहना छोड़ देती है, और पशु पंछी सब सुन सान और सुनते हैं मुरली, मुग्ध मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, और हवा रुक जाती है, पानी रुक जाता है जमुना का, इतनी सुंदर बंसी कि सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। बंसी माधुरी और प्रेम माधुरी, अपने भक्तों के साथ श्री कृष्ण का प्रेम कितना उच्च प्रकार का, गोपियों के साथ, न पा रहे हम निर्वध्य संयुजाम, न ससाधु कृत्यम विबुदाम आयुषाम अपिम्वा। भगवान हार जाते गोपियों के प्रेम के आगे, वो हार जाते हैं। गोपियों को कितना प्रेम दिया, रास लीला में रस की परिकाष्ठा, सर्वोत्तम रस का आस्वादन भगवान ने गोपियों को कराया। तो ये प्रेम माधुरी है, भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण। कृष्ण का ये स्वभाव है, कृष्ण का ये एकमात्र धर्म है। अपना जो स्वाद आस्वादन रसिक शेखर हैं, लेकिन रसिक शेखर इनका धर्म से ऊंचा धर्म है परम करुण, वो परम करुणामय है। द्रौपदी पर परम करुणा दिखाई, पांडवों पर परम करुणा दिखाई, तो कृष्ण परम करुण है। तो प्रेम माधुरी और लीला माधुरी, उनकी लीलाएं इतनी अपरम पार सुंदर मधुर, मधुर से मधुर लीला है, और सर्वोष्ठ सर्वश्रेष्ठ लीला है भगवान की है व्रज में, गोकुल में, वृंदावन में। वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ लीला है, क्योंकि वृंदावन में जमुना, गोवर्धन, राधा कुंड, श्यामा कुंड, गोचारण, गोपियाँ, तो प्रेम भगवान का प्रेम वहाँ निखर आया। जितना भी प्रेम उनके पास था, सारा प्रेम बाहर। क्यों? क्योंकि वहाँ के भक्त वैसे हैं। किसी में से प्रेम निकालना है तो सामने वाला पात्र भी प्रेम निकालने वाला उत्तम होना चाहिए, तभी प्रेम निकलेगा। कोई कोई 16 साल का लड़का है, ऑफिस में काम कर रहा है, ऑफिस के लोग उनके प्यार कर रहे हैं, तो ऑफिस के लोगों का प्यार उनसे इतना है तो उतना ही प्रेम उसमें से बाहर आएगा। लेकिन अगर वो अपनी पत्नी या प्रेयसी के पास हैं, तो वो प्रेम बाहर, उनका सारा प्रेम बाहर लाएगी। वहाँ उनका प्रेम
सारा बाहर निकल आएगा। तो ये व्रजवासी इतने सर्व इतने श्रेष्ठ प्रेमी थे श्री कृष्ण के, इतना प्रेम किया कृष्ण से, जसोदा, नंद महाराज, राधा रानी, विशाखा, ललिता वगैरह गोपियाँ, और ग्वाल बाल, गायें, मोर, सब ने भगवान से कृष्ण का प्रेम इतना किया, इसलिए भगवान का प्रेम वहाँ सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा पर है व्रज में, प्रेम माधुरी। और ऐसा प्रेम आप विष्णु में नहीं देखोगे। विष्णु का ज़्यादातर काम है, विष्णु भगवान का ज़्यादातर काम है राक्षसों का संहार करना, ज़्यादातर। अगर प्रेम करते हैं तो ज़्यादातर लक्ष्मी और गरुड़ और नारद मुनि, ज़्यादातर ये इनके विष्णु भगवान के परिकर हैं। लेकिन कृष्णा ये परम पुरुष परमेश्वर, विष्णु का भी स्रोत है कृष्ण, प्रेम माधुरी लीला है उनकी, मधुर लीला, माधुर्य लीला, गुण रूप नाम नाम, प्रतिक्षण आस्वादन, तो माधुर्य लीला है, मधुर, मधुरम 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 कह के कवि लोग रह गए, कुछ आगे बोल ही नहीं पाए, सब कुछ कृष्ण का मधुर है। सो रूप माधुरी, कृष्ण की रूप माधुरी, कृष्ण का जितना सौंदर्य है, इतना कोटि कोटि कंदर्पों में भी, कोटि कोटि कामदेवों में भी इतना सौंदर्य नहीं हो सकता। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, कोटि कोटि कंदर्पों से भी विशेष शोभा श्री कृष्ण की है, कमनीय, कृष्ण की सुंदरता कमनीय है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कृष्ण की सुंदरता। लक्ष्मी भी कृष्ण की सुंदरता से मंत्र मुग्ध होके व्रज में भागती होड़ी आती हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि लक्ष्मी जैसी सती स्त्री नहीं, विष्णु की चेष्ट सती पत्नी, लेकिन वो भी श्री कृष्ण से आकृष्ट होती है। अभी भी व्रज में लक्ष्मी देवी तप करती हैं ताकि उनको श्री कृष्ण का संग, अंग संग मिले। अभी भी प्रभु लक्ष्मी बेलवन में, आप जाओगे जमुना पार बेलवन है, तो अभी भी लक्ष्मी वहाँ तपस्या कर रही है कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए। तो उनकी सौंदरता से, कृष्ण की सौंदरता कोई पैरेलल नहीं, उनकी सुंदरता इतनी है कृष्ण की, श्याम वस्तु की सुंदरता इतनी नहीं होती, लेकिन श्याम होते हुए भी वो सुंदर, अतिशय सुंदर है, श्याम सुंदर। इनके शरीर का रंग है नया बादल, जो नया बादल ब्लूइश ब्लैक, ब्लूइश ग्रेइश कलर होता है, वैसा श्री कृष्ण का अंग का रंग है, ब्लैक नहीं, ब्लैक ब्लैक जैसे ब्लैक है, ऐसा रंग नहीं भगवान का, न्यूली फॉर्म क्लाउड, मेघ वर्ण शुभांगम, श्री कृष्ण का ओरिजिनल वर्ण है मेघ वर्ण शुभांगम। तो ये कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी, ये चार गुण श्री कृष्ण में विष्णु से भी ज़्यादा है, क्योंकि कृष्ण ही मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो हमें एक कृष्ण के पास जाना है। जैसे आप भूगोल खगोल सीखोगे तो ये भौतिक जगत
में पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी के ऊपर 7 स्वर्ग लोग हैं, भूर भुवह लोग, स्वर्ग लोग, तप महर लोग, जन लोग, महर लोग, तप लोग, सत्य लोग, ब्रह्मा का सत्य लोग, ये सब स्वर्ग लोग हैं, और 7 पाताल नीचे, अतल, वितल, सुतल, रसातल, वित वगैरह, पाताल, ये सब पाताल हैं, और पृथ्वी पर हम बैठे हैं, और उसके ऊपर ये ब्रह्मांड, स्वर्ग, पृथ्वी के ऊपर स्व राक्षसों का लोग, उसके ऊपर स्वर्ग लोग, इंद्र का लोग, और ये स्वर्ग लोग की हम झंखना करते हैं, लेकिन ये आब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहाँ भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि हैं, दुख है, इंद्र भी दुखी हैं, इंद्र भी भागते दौड़ते रहते हैं इधर उधर, देवी देवता ये सब दुखी कालांतर दुखी रहते हैं, राक्षस लोग उनका सारा छीन लेते हैं राज्य। तो ये स्वर्ग लोग के ऊपर ब्रह्म लोग, ब्रह्मा का तप लोग, सत्य लोग, और ये ब्रह्मांड के ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड ऐसे हैं, उसके ऊपर विरजा नदी कॉजल ओशन, विशाल कारण समुद्र जहाँ कर्णोदक्ष विष्णु रहते हैं, जिनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड सर्जन होता है, और उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति निराकार भगवान, निराकार भगवान की उपासना करते हैं, जिसको सिद्ध लोक बोलते हैं, जहाँ सिद्ध जो निरंकारी लोग हैं, निराकारी निर्विशेष जो भजन करते हैं, जैसे उनका मंत्र होता है सो हम या तो तत्वमसी, इन लोगों का डेस्टिनेशन है ये सिद्ध लोक, और सिद्ध लोक के ऊपर कैलाश शंकर भगवान का लोक, पार्वती शंकर पार्वती, उनके ऊपर ये अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं, जहाँ विष्णु लक्ष्मी का वास है, और ये वैकुंठ के ऊपर बीच में ये जो कमल का फूल की तरह है, वैकुंठ पंखुड़िया है, और बीच वाला कमल का भाग जो पीला होता है वो है गोलोक वृंदावन, जहाँ कृष्ण हमेशा रहते हैं। तो ये कृष्ण का धाम है, जहाँ गोप गोपी संग श्री कृष्ण लीला का विस्तार करते रहते हैं। तो ये हमारा डेस्टिनी, ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ये हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए कि हमें यहाँ जाना चाहिए जहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं, वैकुंठ, कुंठ अर्थात दुख, और वैकुंठ जहाँ दुख नहीं है। तो ये भगवान का धाम जहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं, तो वहाँ जाने के लिए हमें एक प्राइस पे करनी पड़ेगी, वो है हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा तो ये हैं भगवान का परम धाम, जो भक्तों का परम लक्ष्य है। तो उनके लिए हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, और वो प्रयत्न है 16 माला शुरुआत। तो मायावादी लोग जो हैं, निर्विशेषवादी लोग हैं, निराकार लोग, निराकारवादी लोग हैं, भगवान की आभा प्रभा लाइट के उपासक हैं, भगवान लाइट हैं, शक्ति हैं,
तो ये सब लोग सिद्ध लोग जाते हैं, और शिव के भक्त हैं वो शिव लोग जाते हैं, और देवताओं के भक्त हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते ज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप टिकट बड़ौदा की लो और कलकत्ता पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता। आप ट्रेन में बैठे बड़ौदा वाली तो बड़ौदा ही जाओगे, कलकत्ता नहीं पहुंचोगे। इसी तरह यान्ति जाओगे, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवों का उपासक होंगे वो देवों के लोक में जाएंगे। देवों का लोक कहाँ है? ये पृथ्वी, राक्षसों का लोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक, देवों का लोक। और हमने तो कहाँ जाना है, ये सब भौतिक जगत है। स्वर्ग ये भौतिक जगत है, स्वर्ग में जन्म मृत्यु जरा व्याधि हैं, देवी देवताओं का भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि हैं, ब्रह्मा का इंद्र का भी मृत्यु हैं। तो देवी देवताओं के उपासक स्वर्ग में जाते, देवी देवताओं को पास। यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, पितरुओं की उपासना करने वाले पितरुओं के देश जाएंगे, जो नरक के नीचे हैं पितृलोक, अतल वितल सुतल पाताल और पितृलोक। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते ज्या, और जो भूतों की उपासना करते हैं वो भूतों के लोक में जाते हैं। और यान्ति मद्याजिनोपि माम, और जो मेरी उपासना करते हैं कृष्ण कहते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो हमें हमारा ध्येय क्या है वो समझना चाहिए। स्वर्ग, ब्रह्म ज्योति, निराकार सिद्ध लोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक, या तो गोलोक वृंदावन, श्री कृष्ण का धाम श्री कृष्ण। तो ये श्री कृष्ण की लीलाएं, परिकर, धाम, उनका आविर्भाव, उनका अंतर्ध्यान होना, उनका रस रूपता, उनकी करुण क्वालिटी, करुणता, तो ये सब हमें समझना होगा। और बाद में हम इच्छा कर सकते हैं कि हमें श्री कृष्ण ही चाहिए। सो श्री कृष्ण आपको चाहे तो श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही श्री कृष्ण आपको मिल सकते हैं, योग से नहीं, और कोई कर्म योग या सहज योग या कोई योग से ना माम साधयति योगो, न माम साधयति योगो। सांख्यम धर्मम उद्धव न स्वाध्याय न तप त्यागो यथा मम भक्ति ऊर्जिता। जैसे आप मुझको भक्ति से प्रसन्न कर सकते हो वैसा आप न माम साधयति योगो, योग से आप मेरी मुझे नहीं साध सकते। न माम साधयति योगो सांख्यम धर्मम उद्धव, हे उद्धव सांख्य या धर्म उससे मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। न स्वाध्याय शास्त्रों का हर रोज अध्ययन करना, हर रोज शास्त्रों को रिपीट करना, उसको बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय से अभी भी प्रसन्न नहीं होता। न स्वाध्याय तप त्यागो, तप करने से भी मुझे आप प्राप्त नहीं कर सकते। त्याग संन्यास लेने पर भी आप मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। अगर मुझे प्राप्त करना है तो क्या, यथा मम भक्ति ऊर्जिता, मेरी सुंदर ऊर्जित भक्ति से मुझे आप प्राप्त कर सकते हो। तो भक्ति की शुरुआत है कहाँ से, कहाँ से,
मुंह और जीवा से, और मुंह और जीवा से क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 16 माला हर रोज, ये हरे कृष्ण महामंत्र की। और हरे कृष्ण महामंत्र क्यों, मैंने कल बताया था। तो हमें गोलोक वृंदावन चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए, हमें सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट हमें प्रेम चाहिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण ही प्रेमी हैं। उनके अवतारों में भी अवतार की पूजा करना सही है, गलत नहीं है, लेकिन आपको अगर सर्वोत्कृष्ट प्रेम चाहिए तो वो कृष्ण से मिलेगा। जैसे रामचंद्र, नरसिंह भगवान, विष्णु भगवान, उनकी भक्ति करना अच्छा है, लेकिन वहाँ आपको सर्वोत्कृष्ट जो प्रेम चाहिए वो नहीं मिल सकता। जैसे कि सूर्णपंखा आई और श्रृंगार रस का आस्वादन करने, तो रामचंद्र भगवान वहाँ धर्मबद्ध हो गए, एक पत्नी व्रत। लेकिन श्री कृष्ण के पास ये सर्व सर्व रस के आगार हैं, एक पत्नीत्व। वैसे तो सब उनके ही शक्ति हैं, सब उनकी ही स्वकीया है, उनके लिए कोई पराकीया नहीं है, सब स्वकीया, सब जीव और सब सृष्टि, सब कुछ उनकी स्वकीया है, अर्थात उनका ही है। सब गोपियाँ उनकी ही हैं, सब पत्नियाँ 16,000 सब पत्नियाँ उनकी ही हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं है। तो श्री कृष्ण से ही हमें सर्वोत्कृष्ट प्रेम मिल सकता है। तो इसीलिए हमें ये श्री कृष्ण की ही उपासना करनी है, क्यों कि वो ही शास्त्र साधु और गुरु से प्रतिपादित एक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, वो हैं कृष्ण। और भगवान का स्वरूप है गोप, स्वयं रूपे श्री कृष्णा गोप रूप हैं, गोप रूप उनका स्वरूप है। और वो माधुर्य में वो पराकाष्ठा है श्री कृष्ण की। तो हमें वो गति चाहिए, जो गति से हमें कभी भी वापिस ये संसार में नहीं आना पड़े। तो वो गति हैं श्री यान्ति देव, यान्ति जाना गति, यान्ति मध्याजिनोपि माम, जो मुझे मेरी भक्ति करता है वो मेरे पास आता है। देवों की भक्ति करता है देवों के पास, भूतों के पास। तो भगवान की भक्ति सांख्य योग धर्म स्वाध्याय कुछ नहीं चलेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? मुख से उनकी भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला। तो ये है श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने का तरीका। तो 16 माला हमें हर रोज करनी चाहिए। तो आइए थोड़ा सवाल जवाब करते हैं, बाकी आपको सवाल जवाब किया जाएगा। हाँ नहीं, और नाटक भी है आज, तो समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और थोड़ा कीर्तन भी आज करेंगे। तो किसी को कोई सवाल है, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? तो 16 माला, एक मिनट जल्दी। तो 16 माला कौन करेंगे हर रोज? हाथ खड़ा कीजिए। 16 माला ऐसे वही बराबर हाथ खड़ा कीजिए। और पुरुषों में बस दो ही, जो करने वाले हैं करते हैं, वो हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। कौन करेंगे? हाथ खड़ा कीजिए 16 माला हरे कृष्ण मंत्र की। 16 माला कौन करेंगे? बस दो तीन, तो मेरी कथा में कोई दम नहीं रहा है ना।
क्योंकि आपको कन्विंस नहीं कर पाए कि यही हमारी गति होनी चाहिए। कोई बार नहीं, कोई बात नहीं, बारंबार नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम नहीं, बारंबार आते रहो और माया की किक्स खाते रहो और बाद में समझ में आएगा कि हमारी गति कृष्ण है। अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अनादि काल से जीव कृष्ण को भूल गया है। मैं 3 दिन में आपको कैसे पठाऊं कि कृष्ण को ही पकड़ो, उनकी ही भक्ति करो। हरे कृष्णा, एक प्रश्न आया है कि हम इस्कॉन वाले भगवान को ऐसे आड़ा प्रणाम क्यों करते हैं और वैसे बंदे। तो शास्त्रों में एक श्लोक है कि प्रणाम कैसे करना चाहिए, तो स्ववामे प्रणमेत विष्णु, दक्षिणे गौरी शंकरो, स्व अग्रे प्रणमेत गुरुम, अन्यथा निष्फलो भवेत। तो स्ववामे अपने लेफ्ट हैंड की ओर विष्णु कृष्णा राम नारायण विष्णु तत्व को ऐसे प्रणाम करना चाहिए अपने लेफ्ट, और दक्षिणे गौरी शंकरो, गौरी और शंकर को राइट में प्रणाम करना चाहिए, और गुरु देवी देवताएं और माता पिता वरिष्ठ गुरुजनों को स्व अग्रे सीधा प्रणाम करना चाहिए, स्व अग्रे, अन्यथा निष्फलो भवेत। अन्यथा प्रणाम करना निष्फल हो जाएगा, तो इसीलिए हम शास्त्र युक्त प्रणाम करते हैं क्योंकि प्रणाम वहां तक पहुंचे। और कोई सवाल? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.